जी नमस्कार, मैं किशोर राजपूत, आज के जंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज आपको ऐसे क्षेत्र में ले चलते हैं जहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ की हालत इस तरह की खस्ता है, या न रोड है न बिजली, लेकिन यहाँ के लोगों ने अप्लाई तो कर रखा है, लेकिन जेई और एसडीओ महोदय यहाँ लोगों को बिजली नहीं दे रहे हैं। बराबर में एक गली है जहाँ पर लट्ठी भी है, बिजली भी है, लेकिन यहाँ इस्टीमेट नहीं बना कर दे पा रहे हैं और बार बार लोगों से पैसे की मांग करते हैं। आखिर ये गरीब लोग हैं, कहाँ से पैसे की भरपाई करें, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार हर घर को बिजली पहुँचाने का संकल्प ले चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी एक्सियन महोदय बगैर यहाँ की बत्ती को देने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग रात के अंधेरे में, यहाँ ये पानी का गड्ढा भरा हुआ है, अगली गली में भी इस तरह का पानी गड्ढा है। बिजली ना होने के कारण बच्चे वगैरह उस गड्ढे में गिर जाते हैं और सड़क वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जल निगम में टंकी तक की व्यवस्था कर दी है। तो आइए देखिए इन लोगों से जानकारी करते हैं। मैं किशोर राजपूत, आज के जंग न्यूज अलीगढ़। उमेश इकबाल है, ये मेरा घर है इधर, और इन्होंने इस गली के लिए लट्ठे पास करे हैं 7। वहाँ सामने आ गए लट्ठा है, वहाँ पर लाइट आ गई है जी जी, और वहाँ से यहाँ तक 7 पोल लगेंगे ये 300 गज के मकान तक। अब इस्टीमेट भी बनवा दिया, 3 बार इस्टीमेट बन गया, चला गया, आ गया, रुक गया, फिर बार बार कहते हैं कि हाँ साहब करेंगे, लगाएंगे, और फिर वो किसी वजह से रुक गया तो पैसे जमा करा दो, पैसे दे दो। तो ये लोग बेचारे सब परेशान हैं, गरीब गुरबा। मुझे तो दे दी, तीसरी गली में से गलत दी है मुझे भी, भाई मेरे यहाँ पर पोल होता यहाँ पर देना चाहिए, मगर ये गलत दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, दूसरी गली से दे के आप मतलब पैसा खाने की तरकीबें हैं ये सब, और कुछ नहीं। मैं कई बार कह चुका जेई साहब से भी, एक्सियन साहब से भी, एसी साहब से भी। एक्सियन जेई साहब क्या कहते हैं? जेई साहब ने एस्टीमेट बनवा दिया, वो कहते हैं एक्सियन साहब के पास है। एक्सियन साहब के पास जाओ तो एक्सियन साहब के सासनी गेट पे पी राम जी बैठते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हो रहा है, भेज रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आज करूँगा कल करूँगा, बराबर ये कहते हैं। और बिल्कुल मतलब मोदी जी जबकि घर घर कह रहे हैं कि गांव गांव दूर दूर तक लाइट पहुंचानी है हमें, मोदी योगी जी कह रहे हैं, मगर ये हमारे जेई महोदय और एई एक्सियन ये लोग नहीं सुन रहे, और ये तमाशा बनाए हुए गरीबों से पैसा खाने का सीधा सीधा मामला है। एक्सियन जेई यहाँ कहाँ बैठते हैं? यहाँ पर ये एक्सियन साहब हैं पी राम, यहाँ पर बैठते हैं सासनी गेट पर बिजली घर में, और जेई साहब तो यहीं बैठते हैं भोजपुरा में बिजली घर पे, वो भी स्ट्रीमेंट कह देते हैं इन्होंने। हाँ सब टालम टूल है, कहीं भी कुछ भी कहते रहिए, करते रहिए, मना करते रहते हैं। क्या ना मतलब लाइट, आप अंधेरे में रहते हैं लाइट के बने बिना? हाँ लोग परेशान है, काफी परेशानी की दिक्कत, छोटे बच्चे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात है, बिना लाइट के भी कोई जिंदगी में जिंदगी है? बताइए, सब सब परेशान है ना, खाली है ना, टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब नहीं है नहीं कोई सुनना तो रहना पड़ेगा। ये लोग कैसे करें, पानी की परेशानी है, लाइट की परेशानी है, और भी लोग हैं, बताओ ना। बिजली की अप्लाई किन किन ने कर रखा है, और ये कौन सा मोहल्ला लगता है? ये है भोजपुरा अब्बासियों के कब्रिस्तान के पीछे, अब्बासियों के कब्रिस्तान के पीछे गली नंबर 2, गुलशन इकबाल। क्या नाम है आपका? यहीं रहती हैं आप जी? पति क्या नाम है? पति तो है नहीं, मगर रईस नाम था। बिजली के लिए अप्लाई आपने किया जी? कितने दिन हो गए? कम से कम हो गए 4-5 महीने। तो क्या बिजली मिली नहीं है? क्या कहते हैं? नहीं बिजली मिली, जब जाते हैं जब ही कहते हैं क्या क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कितने पैसे लिए? कम से कम 550 रुपये एक घर से। 500 रुपये? हाँ, एक बार 250 गए, एक बार 300 गए, फिर भी नहीं है अभी तो। कोई आपने भी कनेक्शन किया है? हाँ। किस नाम से? साजिद। आपका भी है? हाँ, तुम्हारा भी है अभी? किस नाम से आपका? तुमने बिजली का अप्लाई किया? तो आपके यहाँ भी बत्ती नहीं लगी? नहीं है। क्या कहते हैं? पोल नहीं है, पोल नहीं है, पहले काम हो जाएगा। नहीं, आपके बराबरी गली में पोल लगे हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ क्यों नहीं? क्या कह देते हैं? 10,000 रुपये? इतनी दूरी पे नहीं मिलेगा?
हाँ 10,000 रुपए दो ये कहते हैं, और फिर हमने पैसे भी दिए थे तो 3 दफे वापस कर दिए उन्होंने हमारे पैसे। क्या कह दिया? ये कहते हैं नहीं आपकी गली में लट्ठे नहीं आएंगे जब तक आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। लट्ठे कहाँ से आएंगे, पूछा नहीं आपने? हाँ ये कह रहे दूसरे बिजली घर से आएंगे, जब यहाँ से वहाँ नहीं कब आएंगे क्या पता, ये नहीं पता, गुमराह करते हैं। कई बार एस्टीमेट बन चुका है, मैं दे दूँ बाकी।